इन्होंने संजय सिंह को किस आधार पर गिरफ्तार कर लिया? उनके घर पर एक चीज नहीं मिली, एक पैसा नहीं मिला, फिर भी गिरफ्तारी। बाद में किसी का भी यहाँ खड़ा होकर रोड में किसी का भी नाम ले तो ये लोग उसे उठा के जेल में डाल देंगे क्या? ये तो तानाशाही है, हिटलर शाही है। मैं तो कहता हूँ तो चौथी पास कहना भी गुनाह है। चौथी भी पास होता ना तो विकास की बात करता, रोजगार की बात करता, महंगाई की बात करता। बहुत ही महंगाई की मार गैस के सिलेंडर लेकर स्मृति ईरानी रोडों पे घूमती थी, अब क्यों नहीं स्मृति ईरानी बोलती? नहीं बोलेंगी। आज उनके मुंह में दही जमी हुई है। उनके पास एक ही फार्मूला है, हिंदू मुसलमान कराओ, दंगे कराओ और हिंदू मुसलमान को अलग अलग कर दो। लिख के तो इन्होंने 15 लाख का भी दिया था कि हर सबके खाते में, आपके खाते में आ गए 15 लाख। और वही अमित शाह है, उन्होंने कहा था चुनावी जुमला है, वही अमित शाह है ना, ये जुमलों वाले की सरकार है ना, इनकी गिनती शुरू होगी उल्टी। अमर जल पी के आ जाए क्या? ये अमर ही रहेगा हमेशा, मरना एक दिन सबको है, एक दिन जो जीता है वो हारेगा भी। नमस्कार, मेरा नाम है नूरजहां और इस वक्त मैं मौजूद हूँ आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनता की भीड़ लगी हुई है और यहाँ पे आम आदमी पार्टी पूरा मार्च लेके निकली है, जहाँ पे उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। और जो ये लोग मोदी के खिलाफ मार्च निकाल रहे हैं उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है और अपनी मांगे भी नहीं रखी जा रही है, जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या बंद करो और बीजेपी को हटाओ और संजय सिंह को रिहा करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ उमड़ी पड़ी है और पुलिस वालों ने उनको रोक लिया है और आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। तब से यहाँ पे ये लोग ये मार्च निकाल रहे हैं और इनको आगे भी नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। तो आइए हम जानते हैं लोगों से कि उनका क्या कहना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लोग नारेबाजी कर रहे हैं और कई लोग यहाँ पे बैठ के नारेबाजी करते हैं। संजय सिंह पे आप क्या बोलेंगे जो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको रिहाई नहीं दी जा रही है? देखिए मैडम, ना तो भाजपा सरकार को, मोदी सरकार को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत मिले हैं और अब ये तो सरासर अन्याय है। जब मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे तो इन्होंने संजय सिंह को किस आधार पर गिरफ्तार कर लिया? उनके घर पर एक चीज नहीं मिली, एक पैसा नहीं मिला, फिर भी गिरफ्तारी। लेट लेट के नारेबाजी कर रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि जो संजय सिंह है उसको रिहा करो और पीछे जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है उसको बंद करो। तो उसी को लेकर हम बात करेंगे। आज जो रास्ता बना के जा रही है वो हमेशा तो भाजपा नहीं रहेगी, कभी ना कभी तो सत्ता परिवर्तन होगा। लेकिन सर कह तो रहे लाल किले से आऊंगा मैं, ये कितनी बार अमर जल पी के आ जाए क्या? ये अमर ही रहेगा हमेशा, मरना एक दिन सबको है, एक दिन जो जीता है वो हारेगा भी। तो अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कहाँ जाएगा ये मुद्दा? आपको लग रहा है कि निकल के आएगा, क्योंकि अभी तक तो भाजपा के पालन में नेता नहीं। नहीं नहीं, ये कंफ्यूजन है लोगों की। आज इनके इन कारनामों से ना जनता समझदार है, समझ रही है कि इनके खिलाफ जो भी बोलेगा, जो सच्चाई कहेगा, जो सच्चाई लड़ाई लड़ेगा, उसको जेल जाना ही पड़ेगा, तो उसके लिए हम तैयार हैं। क्या कारण देखते हैं आप एक के बाद एक आम आदमी के पीछे टारगेट लेने का, लगातार मतलब बड़े नेताओं को एक के बाद एक आम आदमी की बढ़ती हुई पॉपुलरिटी से, जनता के बीच में आम आदमी की पार्टी की बैक पैट से ये लोग परेशान हैं। अब देखते हैं क्या होगा आगे। मैं तो कहता हूँ तो चौथी पास कहना भी गुनाह है। अगर वो चौथी भी पास होता ना तो विकास की बात करता, रोजगार की बात करता, महंगाई की बात करता। जब ये सत्ता में नहीं आए थे बहुत ही महंगाई की मार गैस के सिलेंडर लेकर स्मृति ईरानी रोडों पे घूमती थी, जब मात्र 400 रुपये में सिलेंडर मिलता था। आज कितने का है वो सिलेंडर? आप क्यों नहीं स्मृति ईरानी बोलती? नहीं बोलेंगी। आज उनके मुंह में दही जमी हुई है। जीत का कारण क्या? लेकिन एक के बाद एक चुनाव जीत रहे तो कहा जाता है कि जीत रहे हैं तो कुछ काम करो। उनके पास एक ही फार्मूला है, हिंदू मुसलमान कराओ, दंगे कराओ और हिंदू मुसलमान को अलग अलग कर दो, और कोई फार्मूला नहीं है। आपको लग रहा है कि धर्म की राजनीति हावी बहुत ज़्यादा, ये देश का दुर्भाग्य है। संजय सिंह पे जो शराब के घोटाले का आरोप लगा है तो उस पर क्या? देखिए, घोटाले का आरोप लगा है मैं भी मानता हूँ, लेकिन देश के सामने, देश की जनता के सामने ये तो बताया कि संजय सिंह के घर से मिला क्या है, कितने करोड़ रुपए मिले हैं, कौन से दस्तावेज मिले हैं, कुछ तो देश की जनता को दिखाएं, तभी तो हम भी माने।
आज मैं किसी का भी यहाँ खड़ा होकर रोड पर किसी का भी नाम ले दूँ तो ये लोग उसे उठा के जेल में डाल देंगे क्या? ये तो तानाशाही है, हिटलर शाही है। पर सरकार तो अपना काम कर रही है ना? सरकार का यही काम है करने का, और बहुत काम है विकास करने के लिए। बेरोजगारी पे बात करें ना, महंगाई पे बात करें ना, सरकार नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार कम करा है, भ्रष्टाचार कम करा है, महंगाई भी तो अब कम करिए। सिलेंडर 200 रुपए कम कर दिया है। पहले जब इनकी सत्ता नहीं थी तब सिलेंडर कितने का था? 350 रुपए का। अब कितने का है आप बताइए ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप बताइए कितने का सिलेंडर है? 1200 रुपए का। तो महंगाई कम हो गई, टमाटर के दाम कम हुए, टमाटर के दाम कम हुए। हाँ अभी 150 रुपए किलो बिके हैं, अब तो कम हो गए। मैं अभी बता रहा हूँ ना, अभी एक महीने पहले 150 रुपए किलो बिके हैं। लेकिन मोदी सरकार तो न्याय कर रही है। हाँ बिल्कुल। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है आज? महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है आज? कितने हजार करोड़ का घोटाला था जब वो बीजेपी में नहीं था, जब वो आज वो दूध का धुला हो गया। इस तरीके से मनीष सिसोदिया भी जेल गए हैं, उसके बाद संजय सिंह, अब तो केजरीवाल की बारी लग रही है। देखेंगे आने दो टाइम को, उन्हें भी देखेंगे आने दो टाइम। केजरीवाल के बाद सबसे बड़ा चेहरा संजय सिंह का था, तो मतलब आपकी पार्टी को कमजोर पड़ गई होगी। क्यों, जब मनीष सिसोदिया जी अंदर गए कमजोर पड़ी पार्टी, सत्येंद्र जैन जी अंदर गए कमजोर पड़ी पार्टी, और नेशनल पार्टी बन गई। जब एक स्टेट की पार्टी थी, लेकिन आज नेशनल पार्टी है ना। अभी तो आगे आगे देखो, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, इनको इनके अकल ठिकाने लगा दें, आम आदमी पार्टी। लेकिन जैसे कि कहा जा रहा है कि 2024 में जो अमित शाह कह रहे हैं कि आप लिख के ले लो, भाजपा ही आएगी। लिख के तो इन्होंने 15 लाख का भी दिया था कि हर किसी सबके खाते में, आपके खाते में आ गए 15 लाख। और वही अमित शाह है, उन्होंने कहा था चुनावी जुमला है, वही अमित शाह है ना, ये जुमलों वाले की सरकार है ना, इनकी गिनती शुरू होगी उल्टी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, आम आदमी की पार्टी के लोग भी बोल रहे हैं कि मोदी जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है, तानाशाही को रोका जाए और जो संजय सिंह है उसको मतलब रिहा कर दिया जाए। तो आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे जनहित आवाज़।